बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बेटा बुक में ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, कहता है कि इस वैल्यू में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या तफरीक करें, यानी क्या माइनस करें इस वैल्यू से, तो ये वाला आंसर आपके पास आए। जो आपके पास जो उसका आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। कहता है आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो ये करनी है कि इसमें से कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे ये वाली में से, तो आंसर ये आना चाहिए। बेटा असल में ये पूछ रहा है कि फाइव में से सपोज हम लेट सपोज करते हैं हमारे पास फाइव लिखा हुआ है। कहता है फाइव में से क्या माइनस करें तो इक्वल जो है वो टू आए। सपोज उसने ये वैल्यू दी है, इसमें से क्या माइनस करें और जवाब भी हमें दिया हुआ है। तो बेटा ये देखें, अब हमारे पास जो है अगर हम ऐसा करें, ये जो वैल्यू दी हुई है इसमें से ये जो जवाब दिया हुआ है वही माइनस कर दें तो बाकी क्या आ जाएगा, थ्री नहीं आ जाएगा। यानी फाइव में से ये टू माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फाइव में से अगर हम थ्री माइनस करें तो वो कितना आता है, टू आता है। तो यहाँ पे भी बेटा यही है कि असल में जो आपने आंसर निकालना है कि इसमें से क्या माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो वो हमने असल में ये जो रकम दी हुई है उसमें से इसी जवाब को माइनस करना है तो क्या आ जाएगा बेटा, वो वैल्यू आ जाएगी। अब हमने यही इसमें करना है कि इसमें से क्या माइनस करें तो ये आएगा, असल में हमने इसमें से बेटा इसी को माइनस कर देना है। तो जब माइनस करेंगे जो आंसर आएगा वो वही आंसर होगा जो इसने पूछा हुआ है कि इसमें से क्या माइनस करें, तो वो बेटा हम करते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू लिखी फर्स्ट वाली, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। इसमें से माइनस कर दिया इस रकम को, एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू को। अब बेटा ये जो पहली वैल्यू है इसके फैक्टर देखे बनते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू है बेटा इसके फैक्टर नहीं बनते। इसके आप फैक्टर बना के देख लीजिएगा, इसके फैक्टर नहीं बन सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाय। ये जो नीचे वाली वैल्यू है बेटा इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर में वही तरीका है, पहली वैल्यू को लिखा, लास्ट वाली वैल्यू को लिखा, सेंटर वाली जो वैल्यू है इसकी जगह दो रकमें ऐसी लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करके ये माइनस का सिक्स आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का वन आए, ये एक्स के साथ प्लस वन है। तो बेटा उसकी जगह हमने लिखा थ्री एक्स और माइनस टू एक्स। जब थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स आ जाएगा, और थ्री में से टू माइनस करेंगे तो प्लस का वन आ जाएगा। और ये वैल्यू बेटा एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू को ऐसे ही लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाली रकम ऐसे ही टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाय, नीचे बेटा पहली दो रकमों में से एक्स कामन आ रहा है तो एक्स प्लस थ्री बच गया, एक्स स्क्वेयर में से एक्स गया तो एक्स, थ्री एक्स में से एक्स गया तो थ्री। इन दोनों में से बेटा माइनस टू कामन आ रहा है, तो जब इस माइनस टू एक्स में से माइनस टू कामन ले लिया तो एक्स बच जाएगा, माइनस सिक्स में से माइनस टू कामन लेंगे, माइनस कामन लेने की वजह से साइन चेंज हो जाता है, थ्री में सिक्स में से टू लेंगे तो बाकी बेटा थ्री बच जाएगा। उसके बाद माइनस एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू एज इट इज़ आ गया बेटा। अब अगले स्टेप में टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस सेवन ओवर, ये बेटा जो सेम वैल्यू है एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, इसको एक दफ़ा लिख दिया मल्टीप्लाई, ये इधर एक्स है और इधर माइनस टू है, इसको एक दफ़ा लिख दिया माइनस ये वाली रकम एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू एज इट इज़ आ गई। अब बेटा इस रकम का और इस रकम का हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है बेटा, एलसीएम। तो एलसीएम किस तरह से लेते हैं बेटा, नीचे जो इसकी वैल्यू है वो भी सारी लिख देनी है और इसकी भी लिख देनी है। यानी इधर है एक्स प्लस थ्री, पहले ये लिखा, फिर उसके बाद दूसरी रकम है एक्स माइनस टू, ये वाली ये लिखी, फिर ये भी लिखनी है बेटा ये x माइनस टू, लेकिन ये पहले लिखा हमने लिख लिया हुआ है, जो रकम पहले लिख ली हुई है वो दोबारा रिपीट नहीं करनी। तो ये बेटा आपका इसका और इसका एलसीएम आ गया। अब बेटा इस रकम को जब इस पे डिवाइड करना है तो ये दोनों इनसे कट जाने हैं, तो ऊपर जो है वैसे का वैसे ही आ जाना है, टू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस सेवन, ये वाली रकम बेटा ऐसे ही आ गई। फिर इस रकम को जब इस पे डिवाइड करेंगे x माइनस टू पे, तो ये x माइनस टू एक्स माइनस टू से कट जाएगा, लेकिन x प्लस थ्री बच जाएगा, तो ये जो x प्लस थ्री बचेगा ये ऊपर वाले x माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस बेटा
एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस थ्री जो है। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ऊपर है टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन माइनस ये वाला। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स एक्स से हुआ तो एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स बेटा थ्री से हुआ तो प्लस थ्री एक्स, फिर माइनस वन एक्स से हुआ तो माइनस एक्स, फिर माइनस वन को थ्री से किया तो माइनस थ्री आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू, इसको एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन और माइनस ये बेटा जो एक्स स्क्वायर है ऐसे ही आया, ये थ्री एक्स में से एक एक्स माइनस किया तो प्लस के टू एक्स बच गए, तीन में से एक निकालेंगे तो बेटा कितने बच जाएंगे दो, माइनस ये वाला तीन ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री और बेटा एक्स माइनस टू। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बेटा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन, ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, ये टू एक्स भी माइनस का और ये थ्री क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे बेटा एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू जो है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, ये टू एक्स स्क्वेयर में से एक एक्स स्क्वेयर माइनस किया तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वेयर, फिर ये टू एक्स प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये माइनस सेवन में बेटा कितने ऐड करेंगे प्लस थ्री, तो माइनस सेवन प्लस थ्री माइनस का फोर आ जाएगा, नीचे क्या है एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू। अब बेटा इससे अगला जो स्टेप होगा उसमें ये देखें, ये फोर जो आया है फोर की जगह आप बेटा टू का स्क्वेयर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वैसे इससे अगला स्टेप था मैंने इधर ही ये इसको फोर की जगह टू का स्क्वेयर लिख दिया। अब ये देखें दो रकमों का स्क्वेयर है और दरमियान में माइनस है, तो हमें पता है एक दफ़ा इनको प्लस कर देना है और एक दफ़ा क्या कर देना है बेटा माइनस कर देना है, और नीचे क्या है एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू जो है। अब बेटा ये एक्स माइनस टू इस एक्स माइनस टू से कट जाएगा तो लास्ट पे जो आंसर आ जाएगा वो एक्स प्लस टू ऊपर और नीचे एक्स प्लस थ्री आ गया। ये बेटा आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर एट नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज बेटा जो 6.2 है चैप्टर नंबर 6 की, उसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बेटा आंसर आ गया है। अगर इसमें बेटा आपको कोई भी इशू हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में उसने कहा था कि इस रकम में से क्या माइनस करें तो ये आता है, अगर इस रकम में से हम बेटा ये माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। ठीक हो गया? अगर बेटा इसमें आपको मसला होता है तो नीचे नंबर है मेरा, मुझसे आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पेयरिंग स्कीम्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।